हो गया गुरुग्राम टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज चकबार के आलम श्री विद्यानगर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बीएड सेकंड ईयर जनरल विद्यालय एवं समाज इसके अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक रहेगा वह है संस्कृति में लैंगिक भूमिका संबंधी चुनौतियों का समाधान। संस्कृति में लैंगिक भूमिका संबंधी चुनौतियों का समाधान। कल जैसे कि हमने इस टॉपिक को शुरू किया था, कल हमने संस्कृति में लैंगिक भूमिका संबंधी असमानता के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम इन असमानता या इन समस्याओं का समाधान किस प्रकार से किया जाए इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जैसा कि संस्कृति का जो निर्माण है सामाजिक परंपराओं मूल्यों और व्यवस्थाओं से होता है, संस्कृति में धर्म का समावेश भी देखा जाता है। इस प्रकार जो संस्कृति है समग्रता का परिचायक रहा है, परंतु संस्कृति में जो स्त्री और पुरुष की भूमिका में असमानता पाई जाती है अर्थात समाज में लैंगिक विभेद देखा जाता है, जिसके कारण स्त्रियों की दशा पुरुषों की तुलना में निम्न हो जाती है। स्त्रियां हैं पुरुषों के समान शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाती, उनका कार्य क्षेत्र घर की चार दीवारी तक सीमित कर दिया जाता है। बाहरी क्रियाओं को करने की स्वतंत्रता उसे प्रदान नहीं की जाती। वह बालिका प्रायः धन है, इस कारण से उसकी सुविधा का कम ध्यान रखा जाता है और पुत्र प्राप्ति को अधिक महत्व दिया जाता है। बालकों की शिक्षा दीक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाता है तथा बालिकाओं की शिक्षा दीक्षा व्यवस्था पर जो अभिभावक हैं कम ध्यान देते हैं, क्योंकि बेटी को एक दिन प्राय घर जाना है। यही कारण है कि उसकी जो शिक्षा है जो बालिका उच्च स्तर पर शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाती है, वह प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर लेती है, लेकिन उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अभिभावक उसे कम भेजना पसंद करते हैं, क्योंकि जो बालक है पुत्र है वही बुढ़ापे का सहारा बनेगा और पितृऋण से मुक्ति श्राद्ध अर्पण का अधिकार जो पुरुष को ही है वही वंश आगे बढ़ाने वाला है। तो यही कारण है कि जो अभिभावक हैं अपने पुत्र को तो महत्व देते हैं लेकिन पुत्री को उतना महत्व नहीं देते, अर्थात बालक बालिका में असमानता के भाव प्रदर्शित किए जाते हैं। तो इस प्रकार की जो चुनौतियाँ हैं असमानता है जो कि स्त्री पुरुष बालक बालिका में भिन्नता या असमानता देखी जाती है। तो ये जो समानताएँ असमानताएँ हैं इसके बारे में जानकारी कल की वीडियो में प्राप्त कर ली थी। जैसा कि स्त्रियों के लिए घरेलू कार्य ही निश्चित किए जाते हैं, जो पुरुष हैं बाहरी क्रियाओं को करते हैं अर्थात धन कमाना कार्य पुरुष करते हैं, जबकि स्त्रियां घर गृहस्थी संभालना बच्चे संभालना अतिथि सत्कार करना इसी में ही उनका पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। इसी प्रकार स्त्रियों को बाहरी कार्य करने धनोपार्जन करने का कार्य भी नहीं दिया गया, यह कार्य जो है पुरुष वर्ग ने अपने हाथ में रख छोड़ा है, क्योंकि वह स्त्री को अपने अधीन मानता है। यही कारण है कि उसे पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान नहीं करता, उसे घर की चार दीवारी में कैद रखा जाता है ताकि वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक न हो पाए और उसके लिए संघर्ष नहीं करे। इसी प्रकार संस्कृति में स्त्रियों को निम्न स्थान प्रदान किया गया है, उच्च स्थान पुरुषों को दिया गया। एक बालक अपनी बहन के साथ बर्तन साफ करवाने झाड़ू लगाने या सब्जी काटने में सहायता करता है तो पिता द्वारा यह कहा जाता है कि ये कार्य बालिका का है या स्त्रियों का है, उन्हें नहीं करना चाहिए, अर्थात उन्हें इस दृष्टि से देखें तो यह कार्य निम्न दृष्टि का हुआ। तो
इस प्रकार स्त्रियों को निम्न स्तर का मान लिया गया है, पुरुष जो अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहता है। इसी प्रकार संस्कृति में स्त्रियों के प्रति जैसा कि संकीर्णता का भाव रखा जाता है, क्योंकि भारतीय परिवार और समाज में महत्वपूर्ण निर्णय की क्षमता जो है पुरुष वर्ग अपने हाथ में रखता है, स्त्रियों का इसमें कोई सहयोग नहीं लिया जाता, चाहे स्त्री कितनी भी योग्य क्यों ना हो। तो घर के महत्वपूर्ण मामले या अन्य मामले जो होते हैं उस पर निर्णय लेने का जो अधिकार है पुरुष वर्ग ने अपने ऊपर ही रख छोड़ा है। स्त्री चाहे कितनी भी योग्य क्यों ना हो, उसकी महत्वपूर्ण मामलों में उसकी राय लेना वह उचित नहीं मानता, क्योंकि इससे उसके वर्चस्व को ठेस पहुंचती है। तो इस प्रकार का जो असमानता है स्त्रियों के साथ प्रदर्शित की जाती है। इसी प्रकार संस्कृति के अंतर्गत विवाह के समय में स्त्री के माता पिता को वर पक्ष को कन्या के साथ साथ दहेज भी देना पड़ता है। तो दहेज न लाने की स्थिति में जो एक स्त्री को प्रताड़ना का जो है सहनी पड़ती है अपने परिवारजनों की, उनके साथ मारपीट की जाती है, गाली गलौज की जाती है, व्यंग्य कसे जाते हैं, घर से निकाल दिया जाता है, यहाँ तक कि बहुओं को जला तक दिया जाता है। दहेज प्रथा के कारण ही माता पिता जो है कर्ज के बोझ से भी दब जाते हैं। तो इस प्रकार स्त्रियों को अनेक यातनाएं सहन करनी पड़ती हैं जो कि अनुचित है। इसी प्रकार संस्कृति में स्त्री को पुरुष की अधीनता स्वीकार करने के लिए कहा गया है। जैसे कि एक स्त्री घर के सभी सदस्यों को भोजन करने के पश्चात ही स्वयं भोजन अंत में ही करती है, तो इस प्रकार बालक बालिकाओं के भोजन के संबंध में भी असमानता पाई जाती है। इसी प्रकार संस्कृति में पुत्र प्राप्ति को ही महत्व दिया गया है, वही पितृऋण से मुक्ति दिलाता है, श्राद्ध तर्पण करता है, और यही कारण है कि उसके पालन पोषण शिक्षा दीक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है, उतना बालिका शिक्षा दीक्षा व्यवस्था पर नहीं दिया जाता, जो कि एक अनुचित कार्य है। इसी प्रकार सांस्कृतिक परंपराओं के कारण ही कन्या भ्रूण हत्या जैसे जघन्य अपराध को बढ़ावा मिला है, क्योंकि दहेज प्रथा के कारण जो अभिभावक हैं कन्या को उत्पन्न करना नहीं चाहते कि बाद में बालिका को दुख भोगना पड़े, इससे अच्छा तो वो जन्म ही न ले, तो इसलिए कन्या भ्रूण हत्या जैसी समस्या उत्पन्न होती है। और जो अभिभावक हैं पुत्री की अपेक्षा पुत्र की चाह ही अधिक रखते हैं। तो इस प्रकार की जो असमानता है लैंगिक विभेद है समाज में प्रदर्शित किया जाता है। पुरुष अपना वर्चस्व स्थापित करने की दृष्टि से ही जो स्त्रियों को घर की चार दीवारी में कैद करके रखना चाहते हैं, यही कारण है कि स्त्रियों को अपनी योग्यता प्रतिभा को दिखाने का जो अवसर है नहीं मिल पाता है, और उनकी योग्यता का जो प्रयोग है समाज के हित में नहीं हो पाता है। आवश्यकता इस बात की है कि समाज में फैले इस लैंगिक असमानता भेदभाव को समाप्त किया जाए, स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार दिए जाए, उन्हें शिक्षा का अधिकार दिया जाए, व्यवसाय और अन्य स्वतंत्रताएँ व्यवसाय करने की और अन्य स्वतंत्रताएँ जो है स्त्रियों को प्राप्त हो, ताकि वे अपनी योग्यता प्रतिभा का जो प्रयोग है समाज के हित में कर पाए। तो आज का टॉपिक बात यही है कि संस्कृति में लैंगिक भूमिका संबंधी चुनौतियों का समाधान किस प्रकार से किया जाए। तो पहला है व्यवसाय में जो असमानता है उसे समाप्त की जाए। व्यवसाय में जो असमानता है समाप्त किया जाए, समान कार्य को स्वतंत्रता प्रदान की जाए, समान कार्य करने की स्वतंत्रता प्रदान की जाए, एक भावना का विकास हो, समाज से स्त्रियों की जो पर्दा पत्थर जैसी बुराई है उसे समाप्त किया जाए, ताकि जो स्त्रियां हैं अपने विचारों का खुलकर प्रदर्शन कर पाए। इसके अलावा स्त्रियों और पुरुषों को निर्णय में समानता
फैल समाज के हित में किया जाए। घर के अन्य महत्वपूर्ण मामलों में स्त्रियों की निर्णय शक्ति को भी महत्व प्रदान किया जाए। समान न्याय की व्यवस्था हो, स्वतंत्रता और समानता की भावना समाज में विकसित की जाए और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी स्त्रियों की छवि को सुधारा जाए, जिससे समाज में स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकारों की प्राप्ति हो और वे अपना जीवन को अच्छे ढंग से चला पाए। तो संस्कृति में न्याय की भूमिका संबंधी चुनौतियों के समाधान, पहला, व्यवसाय में असमानता समाप्त की जाए। तो स्त्री में यदि किसी बाहरी कार्य करने की योग्यता है तो समाज को उसकी योग्यता का स्वागत करना चाहिए, न कि उसके रास्ते में बाधाएं उत्पन्न करनी चाहिए। यदि कोई स्त्री बैंक संबंधी कार्य जानती है तो उसे बैंकिंग व्यवसाय अपनाने की सलाह दी जानी चाहिए, न कि अभिभावक अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करते हुए उसे मनमाना व्यवसाय अपनाने के लिए मजबूर किया जाए। तो इस प्रकार व्यवसाय में जो असमानता है स्थिति पाई जाती है, इसे समाप्त किया जाए। स्त्रियों को उनकी रुचि योग्यता के अनुरूप कार्य करने की स्वतंत्रता प्रदान की जाए। इसी प्रकार समान कार्य को स्वतंत्रता दी जाए। तो किसी भी कार्य को स्त्री या पुरुष के लिए निश्चित नहीं करना चाहिए, ये कार्य पुरुष ही कर सकते हैं, स्त्रियों के बस की बात नहीं है, इस कार्य को स्त्री करेगी, ये कार्य पुरुष को नहीं करने चाहिए, इस भावना को समाप्त करना चाहिए और समान कार्य को स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए। जो कार्य पुरुष कर सकते हैं स्त्रियां भी उसे अच्छे ढंग से कर सकती हैं, अतः उनका सहयोग भी लिया जाए। इसी प्रकार एक भावना का विकास किया जाए। तो समाज में एक भावना का विकास होगा जिसमें स्त्री पुरुष वर्ग के प्रति समानता की भावना विकसित हो पाएगी। पुरुष वर्ग को यह सिखाना होगा कि स्त्री और पुरुष दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं, जितना महत्व समाज में पुरुषों का है उतना ही स्त्रियों का है, अतः इस बात को अनदेखा नहीं करना चाहिए और स्त्रियों को महत्व प्रदान करते हुए उनकी योग्यता और प्रतिभा को पहचानते हुए उनके साथ समानता का व्यवहार किया जाना चाहिए, ताकि वे भी समाज में आगे बढ़ पाए और समाज के विकास में अपना योगदान प्रदर्शित कर पाए। तो इस प्रकार जो है एक भावना का विकास समाज में किया जाना चाहिए, अर्थात स्त्री की मनोभावना को समझते हुए, योग्यता प्रतिभा को देखते हुए उन्हें भी समाज में पुरुषों के समान अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। इसी प्रकार नेक्स्ट है 15 प्रथा की समाप्ति। तो समाज में स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए आवश्यक है कि 15 प्रथा जो है समाप्त किया जाए, क्योंकि जो 15 प्रथा है मुगल कालीन संस्कृति की देन रहा है। तो मुगल काल में स्त्रियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रदा प्रथा प्रारंभ की गई थी, जबकि वर्तमान में आज इस प्रथा की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः प्रदा प्रथा समाप्त की जाए, ताकि वो स्त्रियां हैं शिक्षा प्राप्त कर पाए और अपने विचारों को खुलकर प्रदर्शित कर पाए, समाज में उनकी योग्यता और प्रतिभा का जो प्रयोग है सही ढंग से किया जा सके। तो जरूरी है कि प्रदा प्रथा समाप्त किया जाए, जिससे कि स्त्रियों की दशा में सुधार किया जा सके। इसके अलावा स्त्रियों एवं पुरुषों को निर्णय में समानता, जो पुरुष वर्ग है चाहे वो घरेलू निर्णय हो चाहे बाहरी हो, निर्णय लेने की जो शक्ति अधिकार है पुरुष ने अपने हाथ में रख छोड़ा है, उसके अनुसार स्त्रियों में इतनी बुद्धि नहीं पाई जाती कि वे महत्वपूर्ण मामलों में अपना सही निर्णय प्रस्तुत कर पाए। तो इस भावना को पुरुष की इस भावना को समाप्त करना होगा और स्त्री भी पुरुष के समान अपना अच्छा निर्णय दे सकती है, उसमें भी बुद्धि पाई जाती है, अतः
होना चाहिए। जो स्त्री है वह भी इसी समस्या पर अपना महत्वपूर्ण निर्णय दे सकती है, अतः उनके निर्णय को भी समान महत्व दिया जाए पुरुषों के समान। इस प्रकार समान न्याय की व्यवस्था जो है की जानी चाहिए। तो संस्कृति का विकास इस प्रकार से करना चाहिए कि अन्यायपूर्ण व्यवस्थाओं और परंपराओं का उन्मूलन हो पाए, वस्त परंपराओं का समावेश किया जाए, जिससे कि प्रत्येक स्त्री पुरुष को यह अनुभव हो पाए कि उसको न्याय की प्राप्ति हो रही है। तो न्याय के संबंध में भी स्त्री पुरुषों के साथ समानता का व्यवहार किया जाए। इसी प्रकार स्वतंत्रता और समानता की भावना जो है समाज में विकसित की जाए। तो संस्कृति के नियम निर्धारण में यह बात ध्यान रखी जाए कि समानता और स्वतंत्रता की जो स्थिति है अवरुद्ध न हो, इससे लिंग असमानता की स्थिति उत्पन्न ही नहीं होगी और नारी और पुरुष की अधीनता स्वीकार नहीं करनी होगी। तो इस प्रकार स्वतंत्रता और समानता की भावना विकसित की जाए जिसमें स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त हो तथा उन्हें शिक्षा प्राप्त करने, अपनी रुचि योग्यता के अनुसार व्यवसाय करने की पूरी स्वतंत्रता उसे प्राप्त हो, वह भी अपने विचारों को भूलकर प्रकट कर पाए और उसकी योग्यता और प्रतिभा का उपयोग है समाज के हित में किया जा सके। इस प्रकार सांस्कृतिक कार्यक्रमों में स्त्रियों की छवि सुधारी जाए तो आवश्यकता इस बात की है कि स्त्रियों की छवि जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम सिनेमा के अंतर्गत इनकी छवि को बहुत ही बेढंगे तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। अंग प्रदर्शन जैसे कार्य स्त्रियों को करने पड़ते हैं, तो सांस्कृतिक कार्यक्रमों में स्त्रियों को जो है निम्न दृष्टि से प्रस्तुत किया जाता है तो इन प्रदर्शनों पर रोक लगाई जानी चाहिए। जैसे कि विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में नर्तकियों को नचाया जाता है और उनके साथ अशोभनीय व्यवहार प्रदर्शित किया जाता है, तो इससे समाज पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार के कार्यक्रमों को समाज में आयोजित नहीं करने की योजना बनाई जानी चाहिए और स्त्रियों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्णता या भद्रता का प्रदर्शन न करें, अंग प्रदर्शन से परहेज रखें और अपनी छवि को सरल सादे ढंग से प्रस्तुत करें। तो इसके लिए समाज में वातावरण उत्पन्न किया जाना चाहिए जिससे कि स्त्रियों की छवि को सुधारा जा सके और सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत स्त्रियों की जो छवि है अच्छा चरित्र उनका प्रस्तुत करना चाहिए। तो इस प्रकार सांस्कृतिक कार्यक्रम में स्त्रियों की छवि को सुधारा जाए, इन सब के परिणाम स्वरूप स्त्रियों की दिशा में सुधार किया जा सकता है। तो आवश्यकता इस बात की है कि समाज में लैंगिक भेद समाप्त किया जाए, स्त्री पुरुषों के साथ समानता का व्यवहार हो, स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार मिले, शिक्षा प्राप्त करने का उन्हें अधिकार हो, अपने विचारों को खुलकर प्रकट करने का उसे अधिकार मिले, महत्वपूर्ण मामलों में वह अपना निर्णय दे पाए, रुचि योग्यता के अनुसार ही वह अपने कार्य को संपन्न कर पाए। तो इससे समाज में जो लैंगिक असमानता समाप्त की जा सकती है। इसके साथ ही जो फिर यही समाप्त होता है, तब तक के लिए।